अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मीन्स क्या हुआ, जैसे कि एक बड़े से फील्ड में हम लोग सीड्स को ग्रो करवाते हैं, उसके बाद छोटा छोटा वो प्लांटलेट्स हो जाता है। प्लांटलेट्स मतलब बेबी प्लांट। जो छोटा सा बेबी प्लांट जब डेवलप हो जाता है तब उसको हम लोग फील्ड में ग्रो करवाते हैं। अगर हम लोग पॉट में लगाना है तो पॉट में लगाते हैं, नहीं तो उसको हम फील्ड में लगाते हैं। तो एक बड़े से फील्ड में पहले सीड को ग्रो करवाते हैं, फिर जो प्लांटलेट्स बन जाते हैं यानी कि बेबी प्लांट जब बन जाता है तो उसको फिर हम लोग एक जगह से निकाल के दूसरे फील्ड में उसको सेटअप करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें राइस किया जाता है, पैडी हो गया, राइस, टमाटो, ओनियन, चिल्ली, ये सब क्या होते हैं, एक जगह मेन फील्ड में सोन किया जाता है। वहाँ से जब वो छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं तब उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो जहाँ पे एक फील्ड में जहाँ से जहाँ इसको हम ग्रो करवाते हैं उसको हम लोग नर्सरी भी बोल सकते हैं। जैसे प्लांट वगैरह को हम लोग डेवलप करवाते हैं तो क्या होता है, नर्सरी कहलाता है, जहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी के प्लांट्स को लाते हैं, अपने घर पे पॉटेड करते हैं। लेकिन जो बड़े से फील्ड में किया जाता है, जो क्रॉप होता है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, मल्टीपल्स क्रॉप को डेवलप करते हैं, हाई अमाउंट में क्रॉप का यील्ड करते हैं, तो वो ट्रांसप्लांटेशन होता है। एक जगह से, एक फील्ड से फिर दूसरे फील्ड पे, अलग अलग डेट पे, अलग अलग स्पेस पे उसको हम लोग ग्रो करवाते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेज क्या है। ट्रांसप्लांटेशन इनेबल सेलेक्टिव कल्चर ऑफ द हेल्दी सीडलिंग, दिस रिजल्ट इन बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि जो प्लांट आपका अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से डेवलप कर रहा है, उसको हम लेके दूसरे फील्ड में लगाएंगे तो वो बेटर क्रॉप का प्रोडक्शन करेगा। तो उसके जो क्रॉप का हम लोग को मिलेगा वो अच्छे क्रॉप होंगे, हेल्दी क्रॉप होंगे। ट्रांसप्लांटेशन परमिट बेटर रूट पेंट्रेशन इन द सॉइल। ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हमें बेटर रूट पेंट्रेशन मिलता है, मतलब उसमें रूट डेवलप रहता है, वो रूट बहुत नीचे तक सॉइल में बहुत नीचे तक पेंट्रेट करके वो नीचे तक जाता है और प्रॉपर अमाउंट में वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसके थ्रू हमें अच्छा क्वालिटी का प्लांट डेवलप होता है, अच्छे क्वांटिटी का क्रॉप हम ले पाते हैं, सीड्स हमें मिलता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो बेटर सूट डेवलपमेंट। ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू सूट का भी डेवलपमेंट अच्छे से होता है। जो प्लांटलेट्स बन चुका रहता है, बेबी प्लांट यानी अच्छे से वो ग्रो हो गया रहता है, उसको हम लोग दूसरे फील्ड में डालते हैं, उसको प्रॉपर केयर करते हैं, तो उसमें सूट डेवलपमेंट भी अच्छे से होता है। नेक्स्ट हमारा है इरीगेशन। इरीगेशन क्या होगा, मतलब वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। मतलब समय समय पर प्लांट को हम लोग वाटर प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग इरीगेशन बोलते हैं। ठीक है, सीड नीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर टू जर्मिनेट। प्लांट नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ द फील्ड शुड बी वाटर्ड एट प्रॉपर इंटरवल। यानी कि सीड को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें समय समय पर वाटर उसे प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कैसे करते हैं हम लोग, इरीगेशन के थ्रू करते हैं। ऐसे तो इरीगेशन के लिए हम लोग मेन हमारा सोर्स इरीगेशन का क्या है, रेन वाटर। बारिश के थ्रू हमें हमारे प्लांट को वाटर मिलता है, लेकिन कभी कभी गर्मी के दिन में हाई वेपोराइजेशन ऑफ वाटर के कारण सॉइल का वाटर कम हो जाता है, लीफ तक वाटर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमको इरीगेशन करना पड़ता है। दूसरा कि सैंडी सॉइल जो होते हैं वो उन्हें वाटर ज़्यादा चाहिए क्ले सॉइल की अपेक्षा। यानी क्ले सॉइल जो होता है वाटर लॉगिंग करके रखते हैं तो उन्हें हाई वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इरीगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सैंडी सॉइल में बार बार हमें इरीगेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और क्रॉप के डिफरेंट स्टेज पर वाटर का ज़्यादा जरूरत। जैसे कि जिस समय वो बडिंग का स्टेज हो, ग्रोथ का स्टेज हो, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का स्टेज हो, उस समय हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे हमें इरिगेशन करना चाहिए। जैसे कि आपका फ्लावरिंग के समय, ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज के समय, ये दोनों समय हमें अच्छी मात्रा में, हाई अमाउंट में वाटर का इरिगेशन करना चाहिए। वीट, ग्राम एंड कॉटन क्रॉप नीड इरिगेशन एट रेगुलर इंटरवल बट नॉट द स्टैंडिंग वाटर। वीट, ग्राम, कॉटन क्रॉप, इसमें कुछ कुछ समय के बाद हमें इरिगेशन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग वाटर यानी कि बहुत सारा पानी उस फील्ड में भर के रखना है। पैडी इज ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर एंड नीड कंटिन्यूअस इरिगेशन। पैडी जो होता है, जो हमारे राइस का प्लांट है, वो
स्टैंडिंग वाटर में रहता है, यानी कि जहाँ पे जर्मिनेट होता है हमारा राइस वो वहाँ पे पूरे पानी रहना चाहिए, भरपूर पानी रहना चाहिए, पानी से भरा होना चाहिए, तभी उसमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं। उसके बाद उसको लेके हम अलग नेक्स्ट फील्ड में लगाते हैं और समय समय पर उस पर कंटिन्यूस हमें इरीगेशन करना पड़ता है।